Hello everyone, I'm your social teacher and this is your first chapter of civics and the name of the chapter is Understanding Diversity. So first of all, we will understand the meaning of diversity. Diversity ka matlab kya hota hai? Okay, so let's understand the diversity with this example. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? आपके आसपास अगर आप देखेंगे या आपके क्लासरूम में आप देखते हैं तो क्या कोई भी एक ऐसा और स्टूडेंट है जो एग्जैक्टली आपकी तरह दिखता है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. इस चैप्टर में आप यही चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural or religious backgrounds. तो ना सिर्फ जो लोग हैं वो देखने में अलग होते हैं बल्कि they belong to different regional, cultural और religious backgrounds. मतलब cultural तरीके से या धार्मिक तरीके से या region, एक proper regional तरीके से यानी क्षेत्र वाइज भी जो लोग हैं they are different. These differences enrich our life in many ways and also make them more fun. अब ये जो सारे differences हैं इनकी वजह से जो life है हमारी Indians की वो कैसी होती है? Enrich होती है, बहुत फलती फूलती है ना. और एक तरह से जो इतने different तरीके के जो लोग रहते हैं हमारे देश में उसकी वजह से लोगों को एक साथ रहने में एक तरह से मज़ा आता है. दे इन्जॉय इट. ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजियंस एंड कल्चर्स हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स. और ये जितने भी डिफरेंसेस हैं जो लोगों के बीच या जितने भी डिफरेंट पीपल हैं ये सब एक तरह से जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं जो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं कल्चर से बिलोंग करते हैं दे ऑल मेक इंडिया एज अ इंटरेस्टिंग कंट्री एंड अ डाइवर्स कंट्री एज वेल. मतलब ये सारे जो डिफरेंट पीपल हैं ये मिलकर एक तरह से इंडिया को कैसी कंट्री बनाते हैं? इंटरेस्टिंग बनाते हैं और डाइवर्स कंट्री बनाते हैं. व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइव्स? How did India become like this? Are all kinds of differences a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter to find some answers. अब देखिए, there are some answers. What does diversity add to our lives? जो diversity है वो हमारी life में क्या क्या चीज़ें add करती है? How did India become like this? क्या इंडिया जो है हमारा वो इस तरह का कैसा हो गया कि यहाँ पर इतने सारे जो लोग हैं वो रहते हैं? ऑल आर काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी. और जितनी भी ये डिफरेंसेस है अलग अलग लोगों के बीच क्या ये हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? और क्या जो डाइवर्सिटी है वो हमारी यूनिटी का पार्ट हो सकती है? क्योंकि एज यू नो कि जितने भी अलग अलग डिफरेंट लोग हैं दे लिव टुगेदर इन इंडिया और इसी वजह से एक तरह से यूनिटी है लोगों के बीच, एकता है. तो क्या जो ये यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी का ही पार्ट है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे. अब देखिए, ये आपने एक तरह से एग्जांपल देखा जिसमें आपने देखा या बताया गया कि किस तरह से डिफरेंट जो डाइवर्सिटी मींस जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं डिफरेंट एक तरह से रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, है ना. हमारे इंडिया में कई अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सबका अपना अलग रहन सहन है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, खाना है, मतलब जिसको बोलें, है ना. तो हर चीज़ क्या है? अलग है.
उसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया हमारी जो है इट इज़ अ डाइवर्स कंट्री। थ्री चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अब देखिए देर आर थ्री पिक्चर्स यू कैन सी। तो ये जो तीन पिक्चर्स हैं ये लगभग आपकी ही एज के जो बच्चे हैं उन्होंने बनाई है। ओके एंड एज यू कैन सी हेयर इज़ अ एम्प्टी बॉक्स। तो इन दिस बॉक्स यू हैव टू ड्रॉ अ ह्यूमन फिगर। जिस तरह से इन बच्चों ने ह्यूमन फिगर बनाए हैं ड्राइंग की है, इसी तरीके से आपको भी इस एम्प्टी बॉक्स में एक जो ह्यूमन फिगर है वो बनाना है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या आपकी ड्राइंग जो है वो बाकियों से सिमिलर है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो क्या चांसेस रहेंगे जब आप ड्राइंग बनाएंगे, तो ये चांसेस रहेंगे कि आपकी जो ड्राइंग है वो डिफरेंट होगी इन तीनों ड्राइंग्स से। जो अपने आप में भी देखो ये जो तीनों ड्राइंग्स हैं ये खुद ही अलग अलग हैं, एक ड्राइंग दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी तरीके से ये चांसेस होंगे कि आपकी जो ड्राइंग होगी वो इन तीनों से डिफरेंट होगी। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। और ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान की अपनी एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होती है। वी नॉट only don't look exactly like each other but also differ in terms of language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe and of course the way we draw। अब देखिए हम सिर्फ एक तरह से देखने में ही अलग नहीं हैं बल्कि there are some other terms as well। जैसे कि लैंग्वेज वी स्पीक, हम अलग 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 जगहों पर अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, लैंग्वेज बोली जाती हैं, हर जगह का अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स होता है, धर्म अलग अलग होते हैं हर जगह के, है ना। एंड इसी वजह से जो हमारी ड्राइंग करने का तरीका है, जो हम ड्रॉ करेंगे वो भी कैसा होगा, अलग होगा, बिकॉज एवरी पर्सन हैव देयर ओन प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। When I go out, I like wearing. At home, I speak in. My favorite sport is. I like reading books about. अब देखिए this is a column and you have to fill it about yourself. Okay? तो आपको ये fill करना है। इसमें आपको अपने बारे में जो भी information है वो देनी है कि आप जब बाहर जाते हैं तो क्या पहनना पसंद है आपको, घर में आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है एंड किस तरह की बुक आप पढ़ना पसंद करते हैं। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। अब अपने टीचर की हेल्प से ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से हाउ मैनी आर देयर of which have similar answer, जिनके answers similar हैं। Is there anyone whose list matches your exactly? और क्या कोई ऐसा है जिसकी जो list है वो exactly आपकी list से match करती? Probably not, शायद नहीं। But many of you may have similar answer, लेकिन आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिनके answers कैसे होंगे, कुछ हद तक similar होंगे। How many like reading the same kinds of book? आप में से कितने ऐसे हैं जो एक ही तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास? और कितनी अलग अलग डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो आपके क्लास में स्टूडेंट्स के द्वारा बोली जाती हैं? बट नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। अब एक तरह से ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज कराएगी, बताएगी कि किस तरह से आप या आपके जो क्लासमेट्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। नाउ मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू?
क्या आपको ऐसा लगता है या क्या आपको इजी लगता है एक ऐसा फ्रेंड बनाना, ऐसे इंसान को फ्रेंड बनाना जो बिल्कुल ही आपसे डिफरेंट हो? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट दिस। अब हम इसके आगे जो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे।